जोजो टीवी। सफेद घोड़ा। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का था। उसके पास एक बहुत सुंदर सफेद रंग का घोड़ा था। उसका नाम था भोला। राजू ने उसका नाम भोला इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि वो बहुत सीधा था। राजू अपने घोड़े से बहुत प्यार किया करता था। अपने घोड़े पर सवार होकर वो अलग अलग गांव शहर में व्यापार करने जाया करता था। भोला, कल मुझे शहर जाना है। मैं तुम्हें वहां नहीं लेकर जा सकता, शहर बहुत दूर है, तुम थक जाओगे। मैं रात तक आ जाऊंगा, समझे? तुम्हारा खाना मैं रख कर जाऊंगा और पड़ोस में कह दूंगा कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए खोल दें। खाना जरूर खा लेना। भोला राजू की सारी बात समझ जाता है और उदास होकर अपना सर हिलाता है। सुबह होते ही राजू चला जाता है। भोला खाना खा लेता है। वो सारा दिन उदास बैठा रहता है और सारा दिन राजू का इंतजार करता रहता है। काफी रात हो जाती है। राजू भैया कब आएंगे? मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है। उनके बिना पूरा घर खाने को दौड़ता है। अगर राजू लौट कर नहीं आया तो मेरा क्या होगा? राजू नहीं आता। परेशान होकर भोला राजू को खोजने के लिए चला जाता है और वो रास्ता भूलकर जंगल में पहुंच जाता है। सुबह जंगल के सारे जानवर उस सफेद घोड़े को देखकर दंग रह जाते हैं। इतना सुंदर घोड़ा यहाँ कैसे आया? जरूर ये किसी का पालतू है। तुम कितने सफेद हो, पर इतने घने जंगल में सबसे सुंदर तुम ही हो। पर तुम यहाँ आ कैसे सकते हो? तुम यहाँ नहीं रह सकते, जानते हो? मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। ये झूठ बोल रहा है, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हिरन ने घोड़े को बहुत तंग किया और उसे मारने की भी कोशिश की। हिरन ने उसे बहुत भगाया और भगाते भगाते अचानक घोड़े को रास्ता दिखाई दे जाता है और वो हिरन से बचकर अपने गांव वापस लौट जाता है और अपने मालिक के घर पहुंचकर ही ठंडी सांस लेता है और सोचता है, बस अब राजू नजर आ जाए, उसे देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। घोड़ा जैसे ही घर के पास जाता है तो वो देखता है कि राजू बहुत परेशान है। यह देखकर घोड़ा दौड़कर राजू के पास जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और खुशी खुशी फिर से रहने लगते हैं। दयालु मछली। एक छोटी सी नदी में बहुत प्यारी मछली रहा करती थी। उसका नाम था नैना मछली। उसके साथ नदी में जितनी भी मछलियाँ थीं वो उसे रानी मछली नैना कहकर पुकारा करती थी। क्योंकि वो बहुत दयालु और मुसीबत में सबका साथ दिया करती थी, इसीलिए रानी मछली भगवान पर पूरा विश्वास रखती थी। एक बार नदी में अचानक बहुत तेज बाढ़ आ गई। पानी जोर जोर से उछलने लगा। सभी पानी के जीव परेशान हो गए। रानी मछली ने कहा, किसी को डरने की जरूरत नहीं, हम इस बाढ़ का मिलकर सामना करेंगे। डरो मत, कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो, आओ मेरे साथ। रानी मछली की बात सुनकर सभी मछलियों को जोश आ गया और सभी एक साथ तैरने लगी और तैरते तैरते वे सब जहां पानी का बहाव हल्का था वहां पहुंच गईं। तभी एक छोटी नन्ही मछली को बहुत तेज भूख लगी तो उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं और आगे नहीं बढ़ सकती, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। छोटी मछली की बात सुनकर रानी मछली ने कहा, अरे अरे रो क्यों रही हो, मैं तुम्हें खाना दूंगी, आओ चलो पहले हम खाना खाते हैं। रानी मछली इतनी दयालु थी कि खुद भूखी रहकर भी उसने दूसरी मछलियों को अपना खाना दे दिया। डरो मत, हम सब यहाँ पर सुरक्षित हैं, यहाँ पर बाढ़ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव बहुत कम है। सभी मछलियाँ बहुत खुश हो गईं, पर कुछ दिनों बाद उस नदी का पानी सूखने लगा। मछलियाँ डर गईं, अब क्या होगा? वो सब रानी मछली के पास गईं। रानी मछली प्रभु के ध्यान में मग्न थी। रानी मछली, आंखें खोलो
और जरा देखो, यहाँ पर तो पानी कम हो रहा है, जल्दी कुछ करना होगा। तभी रानी मछली बोली, तुम सब डरो मत, कुछ नहीं होगा, प्रभु पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, चलो मेरे साथ आओ। रानी मछली अपने साथ सभी मछलियों को लेकर जाती है और सब मछलियों के साथ मिलकर वहाँ से निकलने का रास्ता बना लेती है, जो एक तालाब में निकल रहा था। सारी मछलियाँ मिलकर रास्ता बनाती हैं और एक एक करके वहाँ से निकलकर एक तालाब में पहुँच जाती हैं। सारी मछलियाँ बहुत खुश होती हैं और सब मिलकर रानी मछली का धन्यवाद करती हैं। काली कोयल और तोता। एक नदी के पास आम और अमरूद का बहुत बड़ा पेड़ था। आम के पेड़ पर कोयल का जोड़ा रहता था और अमरूद के पेड़ पर तोते का जोड़ा रहता था। वो हर वक्त आपस में झगड़ा करते रहते थे। कोयल को अपनी आवाज पर बहुत घमंड था। वो बहुत सुंदर गाती भी थी और तोते को अपने रंग पर बहुत घमंड था, क्योंकि उसका रंग बहुत सुंदर था। दोनों कोयल बहुत चालाक थी। बड़ी कोयल ने कहा, सुन तोते, मेरी आवाज इतनी प्यारी है कि लोग मेरी आवाज सुनकर सुबह जाग उठते हैं, उनके दिन की अच्छी शुरुआत करते हैं और उनका मन खुशी से झूम उठता है। तोता उन्हें कुछ नहीं कहता, चुपचाप कोयल की बात को सुनता रहता है और घूमने के लिए उड़ने लगता है। छोटी कोयल कहती है, मुझे भी घूमने जाना है। नहीं नहीं, हम ज्यादा धूप में उड़ेंगे तो हम और भी ज्यादा काले हो जाएंगे। और हाँ, आज से हम नदी में सुबह और शाम दोनों समय नहाने के लिए जाएंगे, समझी? छोटी कोयल कहती है, मैं नहीं नहाऊंगी, मुझे नदी में डर लगता है, मुझे नहीं नहाना, एक बार नहाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात होती है। एक दिन छोटी कोयल ने सोचा, हाँ, ये तोता अमरूद खाता है, इसीलिए ये इतना सुंदर है। आज जब ये दोनों तोते घूमने जाएंगे तो मैं इनके पेट से अमरूद लेकर खाऊंगी, फिर मैं भी सुंदर हो जाऊंगी, दो समय नहाना नहीं पड़ेगा। तभी बड़ी कोयल कहती है, हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता और तुम भी ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? नहीं तो कल वो हमारे पेड़ से आम तोड़ेंगे, उनकी आवाज हमारी जैसी प्यारी हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम मेरे साथ नहाने चलो, हम दोनों सुबह शाम नहाएंगे तो हम भी सुंदर हो जाएंगे, चलो ना, चलो नदी पर। छोटी कोयल कहती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं नहाना, मैं तंग आ चुकी हूँ रोज दो दो समय नहाकर, हाँ, जरा सा भी रंग नहीं बदला। बड़ी कोयल छोटी कोयल को जबरदस्ती नदी पर ले जाती है। जब वो दोनों नहा रही होती हैं, अचानक से नदी में एक जंगली मछली आ जाती है और छोटी कोयल को दबोच लेती है। बड़ी कोयल रोने लगती है और अकेली रह जाती है। शेर और भूखा राजा। एक जंगल में दो शेर थे, उन्होंने जंगल के दो हिस्से कर रखे थे। एक था जग्गू शेर, उसके हिस्से के जानवर उसके साथ रहा करते थे, और दूसरा था शेरू, उसके हिस्से के जानवर उसके साथ रहा करते थे। जग्गू और शेरू दोनों अपने साथियों से बहुत प्यार करते थे। जंगल के पास एक महल था। महल का राजा जंगल से रोज एक जानवर खाने के लिए मंगवाया करता था। जग्गू और शेरू बहुत परेशान आ चुके थे। शेरू यार, ये राजा तो बहुत बुरा है, रोज एक जानवर मंगवाता है, ऐसे तो सभी जानवर खत्म हो जाएंगे यार। पर अगर हम रोज जानवर नहीं भेजेंगे तो वो यहाँ शिकार करने के लिए पहुंच जाएगा, उसमें हम भी मारे जा सकते हैं। ऐसा करते हैं, कल एक सभा बुलाते हैं, फिर सभी जानवरों की सलाह भी मिल जाएगी। अगले दिन सभी जानवर एकत्रित होते हैं। आज हम महल के राजा को सबक सिखाने के लिए एकत्रित हुए हैं, अपनी सलाह हमें दें। तभी लोमड़ी कहती है, शेरू, आज तो तुम्हारी बारी थी, क्या तुमने जानवर महल में भेज दिया? हाँ, आज तो भेज दिया, पर आगे से नहीं भेजूंगा, सभी जानवर बहुत रोते हैं, उसे देखा नहीं जाता। हाँ, पर मैं किसी को नहीं भेजना चाहता। तो सुनो,
कल हम एक नहीं कम से कम 5 जानवर जाएंगे। मेरे साथ कौन कौन चलेगा बताओ? सभी जानवर सोच में पड़ जाते हैं। मैं चलूंगा, मैं चलूंगी, मैं। जग्गू और शेरू सभी जानवरों का आपस में प्यार देखकर कहते हैं, कोई नहीं जाएगा, सिर्फ हम दोनों जाएंगे। अगले दिन जग्गू और शेरू दोनों महल पहुंच जाते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज आज हम खुद आए हैं, आप हमें खा लो, हम और कभी जानवर नहीं भेज सकते, नहीं भेजना चाहते, इसका हमें बहुत दुख है, हम उनका दुख नहीं देख सकते महाराज। महाराज कहते हैं, शेर होकर उन जानवरों को बचा रहे हो, तुम तो खुद एक मांसाहारी हो। नहीं महाराज, हम किसी जानवर को नहीं खाते, सब हमारे दोस्त हैं। क्या कहा, तुम जानवर होकर मांसाहारी नहीं हो? राजा सोच में पड़ जाता है और दोनों शेरों का जंगल के जानवरों से प्रेम देखकर हैरान रह जाता है और दोनों को वहां से वापस भेज देता है, इस वादे के साथ कि कभी वो उस जंगल से कोई जानवर खाने के लिए नहीं बोलेगा।